बार फिर आपका सत्य न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। यूपी के भदोही जिले की खबर को लेकर मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। अब हम बात करेंगे राशन वितरण व्यवस्था को लेकर। आखिर कौन सी वजह है कि भदोही में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक तरफ योगी सरकार कामगारों को भरण पोषण भत्ता दे रही है, तो वहीं उनके ही अधिकारी की लापरवाही के चलते राशन डीलर कार्ड धारकों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है भदोही तहसील के ग्राम सभा दुलमदासपुर से, जहां सस्ते गल्ले की दुकान पर कार्ड धारकों ने कालाबाजारी व घटतौली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। कोटेदार की लापरवाही के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी है। राशन को लेकर यह मनमानी घटतौली व कालाबाजारी का मामला भदोही तहसील के दुलमदासपुर का है। यहाँ सस्ते गल्ले की दुकान एक महिला के नाम है। दुकानदार महिला के परिवार के पुरुष सदस्य राशन बांटते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर द्वारा जमकर मनमानी की जाती है। 6 यूनिट पर 20 किलो राशन दिया जा रहा था। मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को भी राशन कम देने के साथ ही साथ फ्री मिलने वाले राशन पर का पैसा मांगा जा रहा था। इसी बात को लेकर कार्ड धारकों ने जमकर हंगामा कर दिया। खुद कार्ड धारक बसंती की जुबानी सुनिए। साहब, हमार मैं 5 लड़कियां है, 2 परानी है, 7 नीट होता है, हमके 5 नीट के देते हैं, 4 किलो देते हैं। हम नरेगा करते हैं तभी पैसा ले हैं, नरेगा पर छूट मिले चाहिए। क्या नाम है? हमार बसंती, दुलमदासपुर। तस्वीरों में देखिए दुलमदासपुर के जिस कोटे की दुकान पर कार्ड धारक हंगामा कर रहे हैं, आरोप है कि 6 यूनिट पर 20 किलो ही अनाज दिया जाता है। कोई शिकायत न करे इसलिए कोटे की दुकान पर अंकित टोल फ्री नंबर को मनमानी करने वाले कोटेदार के परिवार वालों ने मिटा दिया है। फूलपत्ती बताती है कि यूनिट के हिसाब से राशन नहीं दिया जाता, जिसमें हम कार्ड धारक परेशान है। पत्ती ना, क्या समस्या है आपको? यह कि राशन नहीं देते हैं। 30 किलो मिलेगा क्या है? 6 देते हैं। कितना यूनिट है आपके पास? कितना, कई जने हैं? कई यूनिट पास? 6 जने है ना, तो 20 किलो देते हैं। आखिर इस तरह की मनमानी से कोटेदार बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? लगातार इस तरह की शिकायतें लॉकडाउन में जारी है। हालांकि जब तक एसडीएम भदोही ने कई ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसके बावजूद भी कोटेदार मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप खुद इस कार्डधारक महिला की बात ध्यान से सुनिए कि किस तरह दुलमदासपुर के कोटेदार द्वारा गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है। हमें मिला था 4 जने के बीच में 16 किलो। क्या कहते हैं कोटेदार? अब कहा थे ना अगले महीना से दे पूरा। अब 16 दिन अब कल आए है, उठा नहीं लगा, ऑफिस चले गए, आज आवत रहे पूरा गांव सब जुटा रहे ना। दुलमदासपुर के इस कोटेदार की मनमानी व लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियों की शिकायत उप जिला अधिकारी भदोही आशीष कुमार मिश्रा के पास पहुंची, तो उन्होंने एक टीम दुलमदासपुर के इस सस्ते गल्ले की दुकान पर भेजा है। उन्होंने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी संज्ञान में आया है कि सरोज दुलमदासपुर के कोटेदार द्वारा राशन में कोई घटतौली की जा रही है। इस संबंध में मैंने अपनी एक टीम पूरी सप्लाई की भेजी है वहां पर, और सप्लाई की टीम द्वारा पूरी जांच कर ली जाती है। उसके बाद अगर ये शिकायत सत्य पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे।